हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्वैगर श्वेता। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह अपना स्किन का केयर करती हूँ और क्या क्या प्रोडक्ट लगाती हूँ वो मैं आपको बताते जाऊँगी। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी मेकअप रिमूव करने के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एज एन मेकअप रिमूव करने के लिए। मैं ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो इजीली आप लोग के पास हो और ये बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैं एक नैपकिन लेकर मेकअप रिमूव करूंगी। तो देखते हो इस तरह मेकअप ये इजीली रिमूव हो रही है। इसे कुछ ऐसे निकाल लेनी है सारी मेकअप को अच्छे तरीके से। देख रहे हो कितनी इजीली निकल रही है। सारे मेकअप आप लोग को रिमूव कर लेंगे। तो एक बार मैं इसे और चेहरे पे ऐसे अप्लाई कर लूँगी। नैपकिन लेकर आप लोग ऐसे फिर से सारे मेकअप को रिमूव कर लेना अभी भी है चेहरे पे। ऐसे बिल्कुल सारी अच्छे से आपको क्लीन करनी है। सबसे इजी और सभी के पास ही घर में मिलेगी। मेकअप अच्छे तरीके से निकल चुकी है। उसके
उसके बाद मैं फेस वॉश करूँगी गुड वाइट के एक्टिव चारकोल से जो डीप क्लिंजर है। उसके बाद मैं गुड वाइट का एक्टिव चारकोल डीप क्लिंजर फेस वॉश यूज़ करूँगी। ये कुछ इस तरह है। मैं चेहरे को पूरे से पानी नीले कर रही हूँ, नीला करना होगा। सो मैं फेस को वॉश कर रही हूँ, आप देख सकते हो आपको फेस पूछ रही हूँ। इसके बाद मैं गुड वाइब्स का चॉकलेट लिप्स स्क्रबर अपने लिप पर अप्लाई करूँगी। जो हमारे लिप्स में जितने क्रैक हो जाते हैं उन्हें अच्छे से स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। फाइव मिनट का कुछ इस तरह आपको करनी है। पाँच मिनट बाद इसे आपसे रिमूव कर लेनी है। इससे आपके लिप्स में जो भी क्रैक पड़े हैं तो रिमूव हो जाएगी और आपकी लिप्स बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और आपको फील करोगे। उसके बाद मैं यहाँ पे वैम की हल्दी एंड चंदन स्मूथनिंग पैक यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। इसे आप वाटर या दही के साथ मिक्स करके लगा सकते हो। मैं दही के साथ ही लगाती हूँ बट आज मैं इसे वाटर के साथ लगाऊंगी। हाथों से अच्छे मिक्स कर लेनी है। कुछ इस तरह इस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करनी है अपनी फिंगर की हेल्प से। आप चाहे ब्रश से भी कर सकते हो बट मैं अपने फिंगर से इसे लगाना ज़्यादा कम्फर्ट फील करती हूँ। कुछ अपनी आँखों को कि अंडर आई को बचाते हुए इसे अपने पूरे फेस से लेकर गले तक अप्लाई कर लेंगे। कुछ यूज कर सो ये अच्छे तरीके से फेस पे लग चुकी है। अब इसे 10 से 15 मिनट अपने फेस पे आपको ऐसे ही रखनी है। जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसे वॉश करनी है। सो मैं मिलती हूँ आपको फेस पैक सूखने के बाद। तब तक के लिए बाय। अब मैं मेरी फेस पैक ऐसे ड्राई हो रही है और पूरी ड्राई होने के बाद सिर्फ मैं वॉश करके मिलती हूँ आप लोगों से। बाय। सो मैं अपनी फेस पैक धोकर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो चेहरे पे ग्लो। ये इसे लगाने के बाद बहुत ही फ्रेश फील करती हूँ और चंदन हल्दी एंड चंदन की स्मेल आपकी फेस पे काफ़ी देर तक रहेगी और आप बहुत अच्छा फील करोगे। सो मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। सो इसके बाद मैं अपने चेहरे पे गुड वाइब रोज ग्लो टोनर स्प्रे करूँगी इस तरह और इसे हाथों से प्रेस करते हुए अंदर की तो ऐसे आपको गले तक कर लेनी है। इसके बाद मैं
गुड वाइब्स के एलोवेरा जेल अप्लाई करूँगी, ये भी मुझे बहुत पसंद है और इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। ये भी काफ़ी आपके बजट अकॉर्डिंग मिल जाएगी ये सब। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट लेने हैं तो आप purple.com से परचेज कर सकते हो। मैं इन पुस्तकों से ऐसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैं अपने चेहरे पे रोज़ लिप की, गुड वाइब्स की रोज़ लिप सीरम, ये भी काफ़ी मुझे पसंद है और इसे लगाने के बाद चेहरे पे कोई ग्लो आती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जितनी भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये सबकी लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक आउट कर परचेस कर सकते हो। देख रहे हो कुछ इस तरह से पूरे फेस में आपको लगा लेनी है। फिर इसके बाद मैं कोकोनट गुड वाइब्स को कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम अप्लाई करूँगी। इसकी स्मेल क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छी है और इतनी सॉफ्ट जैसी फील हो रही है इसे लगाकर। ओह माय गॉड, ये भी काफ़ी अच्छी है, इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये प्रोडक्ट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब कुछ इस तरह अपने चेहरे पे लगा लेनी है। उसके बाद मैं लैक्मे का लिप लव अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी। सो गाइज, ये रही मेरी स्किन केयर रूटीन, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो मैं अब नई वीडियो के साथ मिलती हूँ आपको बहुत जल्द। आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये स्किन केयर कैसी लगी हो, और भी कुछ अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा। सो तब दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय, और जल्दी मिलती हूँ।